आज हम वकाटक डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। आपने ये मैप देखिए, मैप में ऊपर आपको पता है गुप्ता पीरियड था, और गुप्ता पीरियड की चंद्रगुप्त टू की बेटी प्रभावती गुप्ता नीचे साउथ की साइड वकाटक की तरफ फैक्स हो गई थी, इसका मतलब वकाटक की तरफ शादी कर ली थी। तो वही वकाटक डायनेस्टी है जो सिंपली 250 AD से 500 AD चलती है। याद करना सिंपल है, पहले से लिख रखा है मैंने। ब्राह्मण डायनेस्टी थी एक, और इसके फाउंडर थे वकाटक से सिंपली याद हो जाएगा विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति इसके फाउंडर थे जो 250 AD से 270 AD रहे। नेक्स्ट थे प्रवरसेन 270 से 330 AD तक। अच्छा, इसमें सिर्फ दो ही बातें याद करने की होती है, एक तो प्रवरसेन के बारे में और एक प्रवरसेन के बारे में, दूसरा प्रभावती गुप्ता ने किससे शादी की थी। ठीक है, तो विंध्य शक्ति इसके फाउंडर होगा। इसके बाद प्रवरसेन आए। प्रवरसेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले सम्राट थे वकाटक डायनेस्टी। उसके अलावा प्रवरसेन के बाद ये डायनेस्टी चार ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, उसमें से दो तो हमें पता है और दो अननोन है। तो प्रवरसेन में चार लोगों की ताकत थी ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद चार भागों में डिवाइड हो जाती है। तो चार अश्वमेघ करता है, अश्वमेघ यज्ञ कराए थे प्रवरसेन बनने। इसके अलावा इन्होंने सारे सेक्रीफाइस किए थे, जितने भी 7 सेक्रीफाइस होते हैं वो किए थे। उसके बाद मैंने बताया चार ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उसमें से दो नोन है। एक ब्रांच हो गई प्रवरसेन नंदीवर्धन ब्रांच, और दूसरी हो गई वत्सगुल्मा। वत्सगुल्मा में कुछ नहीं है, आप एक बार रीडिंग कर लेना। ये कुछ रूलर हैं जैसे सर्वसेन, विद्यसेन, प्रवरसेन 2, देवसेन, हरिसेन, लेकिन प्रवरसेन और नंदीवर्धन ये वाली मेन ब्रांच है, क्योंकि इससे पहले प्रवरसेन है ना, तो प्रवरसेन जिस साइड गया वो मेन ब्रांच हो गई प्रवरसेन नंदीवर्धन। तो ये मेन इसलिए भी है क्योंकि प्रभावती गुप्ता जो गुप्ता साम्राज्य के चंद्रगुप्त 2 की बेटी थी, उनकी शादी यहीं हुई थी। उनकी शादी हुई थी रुद्रसेन 2 से, तो कहीं ना कहीं रुद्रसेन 2 से इनकी शादी हुई थी, और प्रवरसेन नंदीवर्धन ब्रांच के पहले शासक थे रुद्रसेन 1। ये पेपर में आ चुका है एक बार, रुद्रसेन 2 से शादी हुई थी, ये ध्यान रखना। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए प्रभावती गुप्ता ने भी शासन संभाला था, और ऊपर उनका मतलब घर था यानी कि गुप्ता पीरियड था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, क्योंकि हमें पता है 240 AD से 540 AD गुप्ता साम्राज्य रहा, और 250 AD से 500 AD वकाटक रहा। तो दोनों मिलजुल कर चलते रहे, इस वजह से वकाटक डायनेस्टी इतनी फेमस रही। इसका अगर आप एरिया देखेंगे तो ये मैप देखिए, मैप में ये मालवा के साउथ से लेकर तुंगभद्रा नीचे तक, और इस पॉइंट पे छत्तीसगढ़ तक ये रहा था, और ऊपर मैप में। और ये वेस्टर्न क्षत्रप वही है जिन जैसे सतवाना की जिससे लड़ाई चलती रहती थी, तो सतवाना को हटा के वकाटक आ गए, लेकिन वेस्टर्न क्षत्रप लास्ट में बचे हुए थे। बस इतना ही है, थैंक यू।